अस्सलाम वालेकुम। एजी अहमद एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेटिव चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को लाजमी दबाएं ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपनी स्टडीज पर तवज्जो दे रहे होंगे और अपनी लर्निंग को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे होंगे। आजकल हम एसेज पढ़ रहे हैं, इंग्लिश बी के एसे नंबर 16 है, कायदे आजम। ये हमारा सेकंड लास्ट एसे है, याद रखे बेटे। इसके अलावा मेरे और चैनल भी हैं, नीचे कमेंट्स बार के साथ जो वी का निशान है वहाँ पर वो उनका लिंक दिया हुआ है, लाजमी देखें और सब्सक्राइब भी करें। कायदे आज़म का टॉपिक बहुत अहम है, ये सेकेंड ईयर में भी आ सकता है और टेंथ में तो होता है। आर ग्रेट लीडर एंड द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वॉज बॉर्न इन कराची ऑन द 25th of December 1876। कायदे आज़म हमारे अजीम रहनुमा और पाकिस्तान के बानी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए। ही रिसीव्ड हिज अर्ली एजुकेशन इन लोकल स्कूल। आपने अपनी इब्तदाई तालीम मुकामी सतह पर स्कूल में हासिल की। लेटर ऑन ही एंटर्ड इन टू अ मिशनरी हाई स्कूल एंड पास द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। इसके बाद आपने मिशनरी हाई स्कूल में दाखिला लिया और अपने एंट्रेंस का इम्तहान पास किया, मैट्रिक का इम्तहान पास किया। नेक्स्ट ईयर ही वेंट टू इंग्लैंड एंड रिटर्न आफ्टर 4 ईयर्स एज अ बार एट लॉ इन 1915। मैट्रिक के बाद एफए किया, एफएससी किया और उसके बाद आप इंग्लैंड चले गए और वहां से आप 1915 को कानून की डिग्री लेकर वापस आए। ही लव्ड एंड मैरिड रतन बाय द डॉटर ऑफ सर दीन शाह पेटिट। सर दीन शाह पेटिट की बेटी रतन बाई से आपने मोहब्बत की और उनसे शादी की। As he said, expect the best and prepare for the worst. He is the greatest leader of this century. आप इस सदी के बेहतरीन रहनुमा हैं। He loved, he devoted his life to the creation of Pakistan. आपने पाकिस्तान की तख्लीक के लिए पाकिस्तान को बनाने के लिए अपनी जिंदगी वक्त कर दी। First of all, he joined the इंडियन नेशनल कांग्रेस। ही वर्क फॉर द इंडियन हिंदू मुस्लिम यूनिटी। पहले आपने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया, शमूलियत इख्तियार की, फिर उस हिंदू मुसलमानों के लिए काम भी किया इतिहाद के लिए। बट सून ही केम टू नो दैट हिंदूज आर कंजर्वेटिव एंड नैरो माइंडेड। लेकिन जल्द ही आपको मालूम हो गया कि हिंदू बहुत ही तंग नज़र हैं। इस वंस ही सेड अबाउट गांधी, I have nothing to do with the pseudo religious approach that Gandhi is advocating. Advocating होता है हमायत करना, नाम निहाद। pseudo religious होता है नाम निहाद, मजहबी सोच का जिसके जो ना गांधी हमायत करता है, मैं इसके साथ कभी भी ठहर नहीं सकता। But later on He joined the Muslim League. इसके बाद आपने मुस्लिम लीग में शमूलियत अख्तियार की। He worked day and night for Indian Muslims. इसके आपने दिन रात इंडिया के मुसलमानों के लिए मेहनत की। Once in his speech he advised the Muslims. एक बार आपने मुसलमानों को नसीहत की। इस्लाम एक्सपेक्ट्स एवरी मुस्लिम टू डू हिज ड्यूटी। इस्लाम हर मुसलमान से तवक्का करता है कि वो अपना फर्ज अदा करे। इन जनरल इलेक्शन
of 1946, Muslim League won a large number of seats in the provincial assembly. जनरल इलेक्शन में 1946 और 47 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग ने बहुत सी सीटें जीत ली. पाकिस्तान रेजोल्यूशन वाज पास्ड इन 1940. द इंग्लिश एंड द हिंदूज कुड नॉट सक्सीड टू डिफीट हिम. हिंदू और अंग्रेज आपको शिकस्त ना दे सके. ही ऑलवेज शोड स्ट्रॉन्ग विल पावर एट हिज ऑल ओकेजंस. आपने तमाम मौकों पर बहुत ही मजबूत जज्बात का इजहार किया. इन कराची अक्टूबर 11th 1947 ही सेड वी शुड हैव अ स्टेट इन विच वी कुड लिव एंड ब्रीद. ये ब्रीद है, ब्रेथ नहीं है, याद रखें. ब्रेथ इज अ नाउन, उसके आखिर में ई नहीं होता. ब्रीद एज अ फ्री मैन, एज फ्री मैन. During the struggle for Pakistan, Qaid-e Azam made a lot of speeches. Pakistan ki jaddojahd ke dauran Qaid-e Azam ne bahut si takareer ki. He impressed the audience because he was very good orator. Aapne apne sunne walon ko bahut zyada mutasir kiya kyunki aap bahut hi acche muqarrar the, orator, takreer karne wale muqarrar. He delivered his speeches very effectively. Aapne bade hi muassar andaaz mein तकारीर की. ही डिस्कस्ड ऑल द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सब्जेक्ट इन हिज स्पीच. वंस ही वाइजली सेड अबाउट टू नेशन थ्योरी, नजरिया, दो कौमी नजरिया के बारे में आपने कहा, फरमाया, इंडिया इज नाइदर अ नेशन नॉर अ कंट्री, इट इज अ सब कॉन्टिनेंट ऑफ नेशनैलिटीज. ना आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार The British promised to leave the country. दूसरी जंगे अजीम के बाद बरतानिया ने मुल्क को छोड़ने का फैसला कर लिया, वादा कर लिया. On 14th August 1947, India was divided into two states, India and Pakistan. 14 अगस्त 1947 को इंडिया को दो हिस्सों में, इंडिया और पाकिस्तान में तकसीम कर दिया गया. कायदे आजम गॉट अ सेपरेट होमलैंड फॉर मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट विच वाज अ ग्रेट सक्सेस फॉर हिम. कायदे आजम ने मुसलमानों के लिए एक अलग रियासत हासिल कर ली जो आपके लिए बहुत बड़ी कामयाबी थी. ही बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान. आप पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने. एज He rightly said, जैसा कि आपने फरमाया, with faith, discipline and selfless devotion to duty, there is nothing worthwhile that you can achieve. कायदे आजम worked selflessly for the Muslims. बेलौस आपने मुसलमानों के लिए मेहनत की. After Pakistan was made, he continued to work hard for them till his death. आपने अपनी वफात तक जो है अपनी मेहनत जारी रखी. He advised the whole nation to work hard. आपने तमाम कौम को जो है सख्त मेहनत करने की नसीहत की. He said work, work and as it is wisely said, work hard is a key to success. He was a true Muslim and Pakistani. He was a man of deed, not of words. आप काम करने करके दिखाने वाले इंसान थे, ना कि अल्फाजी इंसान थे. हिज हेल्थ ब्रोक डाउन ड्यू टू हार्ड वर्क डे एंड नाइट. सख्त मेहनत की वजह से आपकी सेहत ख़राब हो गई. ही डाइड ऑन 11 सितंबर 1948 को आपने वफात पाई. ही वाज buried in Karachi. आपको कराची में दफनाया गया. Today he lives in the hearts of the nation. Think once he said, think 100 times before you take a decision. But once that a decision is taken, stand by it as a one man. Have a nice day. Goodbye. Allah Hafiz. AG Ahmed, educational
एंड इंफॉर्मेटिव। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को लाजमी दबाएं ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।